4,43,00,000 की लागत से बस्ती जनपद का पहला FSTP कुआनो नदी के तट पर बनकर तैयार हो गया है। इस FSTP के शुरू हो जाने से जहां किसानों को क्वालिटी और सस्ते खाद मिल सकेंगे, वहीं पे कई जानलेवा बीमारियों से भी जनपद वासियों को निजात मिल सकेगा। FSTP के संचालित हो जाने के बाद जनपद वासियों को कई प्रकार की जानलेवा बीमारियों से मुक्ति मिल सकेगी, क्योंकि पहले जहां नगर पालिका द्वारा पुराने संसाधनों की मदद से निजी व सार्वजनिक शौचालयों से निकलने वाली गंदगी को शहर से वीरान जगहों या नदी के किनारे निस्तारित किया जाता था, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से फैलता था, जो कई प्रकार की जानलेवा बीमारियों इससे उत्पन्न होती थी। लेकिन अब FSTP लग जाने से इन जानलेवा बीमारियों से लोगों को निजात मिल सकेगा। वहीं FSTP संयंत्र मल कीचड़ को फिल्टर कर खाद बनाने का कार्य करती है, जिससे जनपद के किसानों को सस्ते और अच्छे क्वालिटी की खाद भी मिल सकेगी। पेश है रिपोर्ट। FSTP बनके तैयार हो गया है, इससे किसानों को कितना फायदा होगा और इसलिए क्या कुछ कैसे? देखिए, नगर पालिका बस्ती में जो है, जो हमारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा जो भी चीज़ें जाती हैं उनको एक शोधन के द्वारा किस तरह से हम जो है, जो हमारा वेस्ट है, चाहे वो खाद है या चीज़ें निकल के आती है, उनको फिल्टर करने के बाद ही जो पानी है वो नदियों में जाए, ताकि हमारी नदियाँ प्रदूषित ना हो। और उसके द्वारा जो चीज़ों को हम लोग फिल्टर करते हैं, वो निश्चित में जो वो खाद के रूप में प्रयोग होता है, उसे निश्चित तौर पर चाहे किसान हो या अन्य कोई व्यक्ति उसको लेकर लेता लेना चाहता है तो वो ले सकता है, और वो फसल भी बड़ी उपयोगी होती है। इससे क्या क्या जैसे पहले सर डब्बी से जानलेवा बीमारियां फैलती थी, उससे क्या कुछ निजात मिल पाएगा? निश्चित तौर पर जब इस तरह की जो हमारा सिस्टम लागू होता है तो उसी का एक हिस्सा है कि जितनी भी जो ओपन में चीज़ें होती हैं, वो निश्चित तौर पर उसे जो तरह तरह की बीमारियाँ हैं उन बीमारियों पर रोकथाम लगती है। और इसका जो खाद आती है, जो होती है, वो निश्चित तौर पर जो हमारे प्लांटेशन के लिए आता है उस पर इसका उपयोग होता है।